चलिए रुक कर लेते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के अंदर उपखंड मुख्यालय लालसोट के अंदर उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा के घर में ही चोरी हो गई। जी हाँ, ये मामला कल रात का बताया जा रहा है और इस मामले के अंतर्गत चोरी तो परसादी लाल मीणा के घर में हुई, लेकिन वहां की आम जन के अंदर खौफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब एक मंत्री के घर में चोरी हो सकती है तो आम जनता के घर में किस प्रकार से सिक्योरिटी रखी जाएगी ये तो कोई भी नहीं बता सकता। तो इसी को लेकर के देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा के आवास पर चोरी हुई है। चोरी की घटना का जायजा लेने एसपी अनिल बेनीवाल पहुंचे तो वहीं घटना स्थल का जायजा लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे। साथ ही चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने पर सख्त कार्रवाई की जाए और लोगों से सीसीटीवी लगाने में सहभागिता का भी आह्वान किया है। उद्योग मंत्री के आवास पर बुधवार की रात को चोरों ने वारदात को अंजाम देकर के घटना में हुई दो LED चोरी देखने में मिली। ये अब तक क्या पुलिस ने कार्रवाई की है? जी, मल्टीमें इसमें लग रही है कि इस मकान में जल्दी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो खाली रहता है, खाली नौकर रहता है, उसके अलावा अभी यहाँ कोई रहता नहीं है, और इसी को देखते हुए हमारे को लग रहा है ये अटेम्प्ट किया गया। दो LED चोरी हुई है इसमें और जो टीमें हमारी लगी हुई है जल्दी खुलासा करेंगे। सर, CCTV फुटेज के अंदर भी एक संदिग्ध बाइक नजर आ रही है रात के, सारे एंगल से काम कर रहे हैं जी, टीमें अलग अलग एंगल पर हमारी लगी हुई है, जांच करेंगे और जल्दी खोलेंगे कौन लोग हैं इसमें शामिल होंगे। सर, शहर में कहीं भी ऐसा कोई किसी भी प्राइम उस पर प्राइमरी लोकेशन पे CCTV की कोई व्यवस्था नहीं है, क्या इस बारे में पुलिस प्रशासन लोकल बॉडी के साथ मिलकर कोई काम करेगा? देखो, मेरी तो जो लालसोट की जनता है, मैं बार बार ये बात सारे लोगों को कहता हूँ कि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, पुलिस है, हम लोग आपके लिए हैं, परंतु आम आदमी को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। और तो बहुत बड़ा इक्विपमेंट नहीं है, बहुत कम खर्चे में ये लग सकता है, तो अगर बाकी ठीक नगर पालिका, मेरी इससे पहले भी बात हुई है, बजट के इश्यूज हैं, कई इश्यूज हैं और उन पर भी लगवाएंगे, पर बाकी लोगों से भी मेरी अपील है कि जो भी इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, 5,000 का खर्चा है, ज़्यादा नहीं है, कृपया करके CCTV कैमरा सारे नहीं लगा सकते तो आप लोग अपनी कॉलोनी में जो भी एंट्रेंसेज हैं, जो भी एग्जिट हैं, उनमें लगवा लो कॉन्ट्रीब्यूशन करके, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आपकी भी सेफ्टी है, हमारे को भी क्राइम कंट्रोल में इसमें बहुत मदद मिलती है। तो आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस पर विचार जरूर करें, और बाकी नगर पालिका में जब फंड आता है, बजट हमारी बात चल रही है, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, और जैसे आएगा तो दानदाताओं से जो भी हमारी हेल्प करेगा हम उसके लिए CCTV लगवाएंगे। सर चोरी की घटनाओं के अंदर लगातार इजाफा होता जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रोजाना लगभग अमूमन जो चोरी की वारदातें होती है उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या प्रभावी कार्रवाई हो पाएगी? देखो, चोरी की वारदात है, लगातार बढ़ रही है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, तो बहुत सारे कारण हैं, तो सोशल इश्यूज हैं, नया यूथ है, बेरोजगार है, इसको कोविड के बाद में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए आई हैं, तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से चोरियाँ बढ़ी हैं। हम लगातार काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास भी यही है कि इसको मॉनिटर किया जाए, जो चोर है, रेगुलर चोर है, वारदात खोलते भी हैं, बंद भी करते हैं, मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हाँ सर, लेकिन चोरी की वारदात इस तेजी से बढ़ रही है कि मंत्री जी के बंगले तक को लोग हौसला बुलंद हो गया चोरों का, जो मंत्री के बंगले को भी चपेट में ले गए। मंत्री जी का बंगला चोर को नहीं पता होगा कि ये मंत्री का बंगला है जी, ठीक है, तो इस चीज़ को आप उस एंगल मत देखिए कि मंत्री के बंगले में चोरी होगी वहाँ नहीं हुई जी, हमारे लिए सब बराबर है, ठीक है, कहीं भी चोरी हो, यहाँ चोरी हुई, कहीं और भी चोरी हुई, सब बराबर है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हाइप देना कि नहीं कि मंत्री जी के बंगले में चोरी होगी, चोर आया उसको थोड़ी पता है किसका बंगला है। सर, पहले यहाँ गश्त के लिए 2 व्हीकल पुलिस के उपलब्ध थे, 2 DO की ड्यूटी भी रहती थी, यह व्यवस्था क्यों यहाँ से हटाई गई? व्यवस्था गश्त के अंदर कोई चेंजेस हुए तो उसको हम देख लेंगे, व्यवस्था हटाने का नहीं है, कई बार जाब्ते की कमी हो जाती है, कहीं और जाब्ता शिफ्ट करना पड़ जाता है, इस वजह से कई चीज़ें अरेंजमेंट हमारे को करने पड़ते हैं, दोबारा रिव्यू कर लेंगे, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि मतलब गश्त के अंदर कोई इश्यू आ रहा है तो उसको ठीक किया जाए। फिर सर, हम कैसे कह सकते हैं कि आम जनता सुरक्षित है? आए दिन चोरियां बढ़ रही है, आपने भी देखा जैसा कि एक कैबिनेट मंत्री के घर भी चोरी हुई है, जैसा कि आपने अभी बताया कि भाई इसको इस नज़रिए से ना देखें, लेकिन आम जनता सुरक्षित कैसे रह सकती है? आम जनता सुरक्षित रहे तो इसके अंदर आम जनता की भी जिम्मेदारी है, आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाइए, हम लोग हमारी जिम्मेदारी निभाएंगे।
देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।